अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एहराम एंड जुनून ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं शांदे जो कि शानी को समझाते हुए कहे कि शानी मेरी सजीला से मुलाकात हुई थी, वो अच्छी लड़की नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मगरूर है और तुम उस जैसी लड़की से कैसे मोहब्बत कर सकते हो। शानी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में शांदे से कहता है कि मैं इस बात की किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो सजीला के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे। तो शांदे इस बात को सुनने के बाद शानी से कहती है, क्या तुम इतनी मोहब्बत करते हो सजीला से, तो फिर उससे शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम उससे शादी कर लो, तुम जैसे कहोगे मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी, और जैसे तुम मुझसे मोहब्बत करने में आज़ाद हो वैसे मैं भी तुमसे उतनी मोहब्बत करने में आज़ाद हूँ, और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें चाहती रहूँगी, जब भी कभी मेरी ज़रूरत हो मुझे एक बार ज़रूर याद करना। तो शानी बगैर कुछ जवाब दिए वहाँ से उठकर चला जाता है। तो इसके बाद आप देखेंगे जब नादिया की शादी हो रही होती है और शानदे वहाँ शादी अटेंड करने आती है तो शानी उसे हाथ मिलाता है और दोनों एक साथ डांस भी करते हैं। तो सजीला जो कि ये सब देख रही होती है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो शानी को साइड पर बुलाकर कहती है, बड़े कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहे थे उसके साथ। तो शानी उसे जवाब देता है कि जब तुम कदम से कदम नहीं मिलाओगी तो किसी और के कहने पर तो कदम से कदम मिलाने ही पड़ेंगे। तो सजीला जो कि बड़े तल्ख लहजे में जवाब देती है और कहती है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम वैसा करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तो व्यूवर्स आप ये सब देखने वाले हैं अगली एपिसोड में, और अगर आप मजीद एहराम एंड जुनून ड्रामा के रिव्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लें।